लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होना है, जिसको लेकर खरगोन बड़वानी लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए 18 मई को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे मतदान दल ईवीएम वीवीपैट मशीनों को लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र 27 में 19 मई को सुबह 7 बजे से होने वाले मतदान को लेकर खरगोन के पीजी कॉलेज में सुबह 7 बजे से मतदान सामग्री वितरण कर मतदान दलों को रवाना किया गया। मतदान दलों के लिए करीब 700 बसों से मतदान बूथों तक रवाना किया गया। लोकसभा क्षेत्र में लगभग 18,34,000 मतदाता है, जिसके मतदान के लिए 2,350 मतदान केंद्र और 275 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 6,000 पुलिस अधिकारी और जवान लगाए गए हैं। सुबह से पूर्ण चौकसी और सुरक्षा दल के साथ कलेक्टर गोपालचंद ढाट ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भिज्ञ मतदान के लिए सब व्यापक तैयारी के साथ ईवीएम रवाना करवाई। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन जिला मुख्यालय पर खरगोन